इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय इग्नू ने बैचलर ऑफ एजुकेशन बीएड विभिन्न विषयों में शोध पीएचडी और बीएससी नर्सिंग कोर्सेज में एडमिशन के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है। इन तीनों ही कोर्सेज के लिए आवेदन 31 दिसंबर 2023 तक किए जा सकते हैं। उम्मीदवारों को विज्ञान या वाणिज्य या मानवता या सामाजिक विज्ञान में स्नातक या स्नातकोत्तर में न्यूनतम 50% प्राप्तांक होने चाहिए। 55% अंकों या किसी अन्य समकक्ष योग्यता के साथ गणित और विज्ञान में विशेषज्ञता के साथ इंजीनियरिंग या प्रौद्योगिकी में स्नातक वाले उम्मीदवार भी आवेदन कर सकेंगे। उपर्युक्त योग्यता के साथ उम्मीदवारों को प्रारंभिक शिक्षा में प्रशिक्षित शिक्षक भी होना चाहिए या उन्हें फेस टू फेस मोड के माध्यम से एक शिक्षक शिक्षा कार्यक्रम पूरा करना चाहिए जिसे एनसीटीई द्वारा मान्यता प्राप्त है। एससी एसटी ओबीसी एनसीएल दिव्यांग श्रेणियों के लिए पात्रता आवश्यकताओं में 5% की छूट होगी। विश्वविद्यालय के नियमों के अनुसार कश्मीरी प्रवासियों और युद्ध में विधवा उम्मीदवारों को छूट दी जाएगी। पात्र होने के लिए उम्मीदवारों ने अपने 10-2 के साथ जनरल नर्सिंग और मिडवाइफरी जीएनएम में 3 साल का डिप्लोमा किया हो, जिन्हें पेशे में कम से कम 2 साल का अनुभव हो। पुरुष नर्स या नर्स जिन्होंने जीएनएम प्रोग्राम में दाई का काम नहीं किया है, उन्हें भारतीय नर्सिंग काउंसिल द्वारा मिडवाइफरी के बदले 6 से 9 महीने की अवधि के किसी भी नर्सिंग पाठ्यक्रम में प्रमाण पत्र होना चाहिए। या जिन उम्मीदवारों ने अपने 10वीं कक्षा मैट्रिकुलेशन या इसके समकक्ष जनरल नर्सिंग और मिडवाइफरी में 3 साल के डिप्लोमा के साथ पेशे में कम से कम 5 साल का अनुभव है। पुरुष नर्स या नर्स जिन्होंने जीएनएम प्रोग्राम में दाई का काम नहीं किया है, उन्हें भारतीय नर्सिंग परिषद द्वारा दाई के बदले में निर्धारित 6 से 9 महीने की अवधि के किसी भी नर्सिंग पाठ्यक्रम में प्रमाण पत्र होना चाहिए। पीएचडी के लिए उम्मीदवारों को संबंधित विषय में न्यूनतम 55% अंकों के साथ पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए। एससी एसटी ओबीसी दिव्यांग और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए न्यूनतम अंक 50% है। इग्नू विश्वविद्यालय प्रवेश 2024 पोर्टल पर जाएं अथवा डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक करें। जिस कोर्स के लिए आवेदन करना चाहते हैं उससे संबंधित रजिस्ट्रेशन लिंक पर क्लिक करें। स्क्रीन पर दर्शाए दिशा निर्देश ध्यान पूर्वक पढ़ें। नए पंजीकरण के लिए यहां क्लिक करें, क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन टैब पर क्लिक करें। स्क्रीन पर प्रदर्शित पंजीकरण फॉर्म भरें। इग्नू पंजीकरण फॉर्म 2024 में सभी विवरण भरने के बाद उम्मीदवारों को रजिस्टर टैब पर क्लिक करना होगा। छात्रों को उनके पंजीकृत ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर पर यूजर आईडी और पासवर्ड भेजा जाएगा। कार्यक्रम और अध्ययन सामग्री प्राप्त करने का मोड चुनें। अब छात्रों को निर्धारित प्रारूप और आकार में दस्तावेजों को अपलोड करना आवश्यक है। आवेदन शुल्क का भुगतान डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, एटीएम कार्ड, यूपीआई या नेट बैंकिंग के माध्यम से करें। अंत में सबमिट बटन पर क्लिक करें। भविष्य के संदर्भ के लिए विधिवत भरे हुए इग्नू आवेदन पत्र के कुछ प्रिंटआउट निकाल लें। इन सभी कोर्सेज में प्रवेश एंट्रेंस टेस्ट में प्राप्त नंबर के आधार पर किया जाएगा। इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और इसी प्रकार की एजुकेशन न्यूज सबसे पहले पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।